वहीं इस पूरे मामले पर न्यूज 8 इंडिया से मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया और अपने देश के मंत्रियों की तरफ से पूरे विवाद पर माफी भी मांगी। कि उन्होंने ये कहा कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ सॉलिडेरिटी में, हम अपनी नेशन के साथ सॉलिडेरिटी में ये कर रहे हैं कि इजी माई ट्रिप जो है उसने तमाम सस्पेंड कर दी है मालदीव फ्लाइट्स बुकिंग्स। बहुत बहुत ये बहुत दुखी की बात है, ये हुआ था, ये होना नहीं चाहिए। ये बहुत सख्त वर्ड हैं फॉर अबाउट अ कंट्री, एक मुल्क के बारे में ये बड़े सख्त लफ्ज हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो ये मिसकंसेप्शन दूर कर रहे हैं हम, और उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव। सो ये एक ट्रेंड है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले को लेकर जारी विवाद के बीच ट्रैवल की दिग्गज भारतीय कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स बुकिंग रद्द कर दी है। पर्यटन पर निर्भर रहने वाले मालदीव के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। इट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल दैट द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द कमेंट्स बाय द मिनिस्टर। द गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द मिनिस्टर्स, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव इशू ए फॉर्मल अपोलॉजी। कि आदमी नाशुक्रे होते हैं, जो बंदे होते हैं ना वो एहसान फरामोश होते हैं। तो जरूरी है कि कान खींच के, ठीक है, उनके कान खींच के उनको एक एक करके एहसान याद दिलाना जरूरी पड़ जाता है। गलत चीजें नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। ये जो कुछ मालदीव की तरफ से हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो क्लाउन और पपिट ऑफ इसराइल, और इसके अलावा इंडियंस के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। मालदीव परेशान हो चुका है इंडिया के टूरिज्म को लेकर, क्योंकि 5 लाख 10 लाख के करीब टूरिस्ट जो हर साल जाते थे इंडिया से मालदीव, अब वो कह रहे हैं कि हम अपने कंट्री में जाएंगे टूरिस्ट के हवाले से। बायकॉट मालदीव चल रहा है वहाँ। जय हिंद दोस्तों। भारत के खर्चों पर पले बड़े ये मालदीव के पपेट, मालदीव का एक एक नागरिक इस समय भारत के खर्चों पर पला पड़ा है। आप लोग देखो, एक समय में मालदीव डिफॉल्ट हो गया था, विदेशी आक्रांता इन पे आक्रमण करने वाले थे, भारत के शरण में आगे झोली फैला के भारत हमारी मदद करो। दोस्तों, भारत ने बिना सोचे समझे इनको आर्थिक सहायता भी दी, इसके बाद इनको सैन्य सहायता भी दी ताकि इनके ऊपर बाहर से हमला ना हो, ये लोग रिवाइव हो जाए। भारत ने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हर लिहाज से भारत ने इनको मदद किया, लेकिन ये ऐसे पिल्ले हैं दोस्तों, ये ऐसे पिल्ले हैं कि फिर भारत को आँख दिखाए। लगता है ये अपने बाप को भूल गए। सिंपली बात वो वाली बात है कि ये अपने बाप को भूल गए, और बाप जब याद दिलाता है तो इनको पता चलेगा कि किससे पंगा ले लिया। दोस्तों, ये चाइना के भड़कावे में, ये पाकिस्तान के भड़कावे में, और सबसे बड़ी बात ये मदरसे के भड़कावे में आ गए, और मदरसे के भड़कावे में जो आता है फिर उसका रिजल्ट क्या होता है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश झेल रहे हैं, और चाइना भी दोस्तों झेल ही रहा है भारत से पंगा लेने के बाद, कनाडा भी झेल रहा है भारत से पंगा लेने के बाद। तो ये तो यार हमारे अंडमान निकोबार जितने भी बड़े नहीं है, इनकी क्या औकात है। आप लोग देखना, 140 करोड़ जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई, मुश्किल पर मुश्किल 4 दिन या 5 दिन बस इनकी ऐसी तैसी होना तय है। आप लोग मान के, डॉग हैज ए टेल, डॉग हैज क्लॉज एंड डॉग हैज टीथ, That's why some dogs misunderstand their lions. ये बहुत सख्त वर्ड हैं फॉर अबाउट अ कंट्री, एक मुल्क के बारे में ये बड़े सख्त लफ्ज हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो ये मिसकंसेप्शन दूर कर रहे हैं हम, और उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव। सो ये एक ट्रेंड है, एक जारी बात है, एक देर इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन फैक्ट विद इन इंडिया, दोज हु आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। इंडिया के अंदर जो बायकॉट मालदीव जो हैश टैग्स चल रहे हैं, और फिर फॉर एग्जाम्पल वो दे आर ट्राइंग टू डिपिक्ट के जी माले सिटी के अंदर जनाब क्या उसे बोलते हैं मर्डर हो रहे हैं या किडनैपिंग हो रही है या बच्चों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं। सो दे आर शेयरिंग, जिसे वो कहते हैं ना हाईलाइटिंग द जिसे वो कहते हैं ना एक डार्क साइड्स ऑफ मालदीव, सो दैट मालदीव की टूरिज्म को हर्ट किया जा सके। अब ये जो तीनों के तीनों जो मिनिस्टर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर वेरी मच इनटू द हाईलाइट, और ये जो मरियम शियोना मालशा शरीफ और महजूम माजिद जो हैं, दे आर बीइंग इन्होंने जिसे वो समझ लें कि आप ये समझ लें विच द वे आई विल रीड इट, इंडिया वाज बेसिकली फाइंडिंग अ रीज़न, इंडिया को रीज़न मिल गई है। That's a very serious issue. India को reason मिल गई है, और वो जो reason है वो इस शक्ल में मिली है, जो कि जिसे वो कहेंगे कि बड़ा एक 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 मुश्किल में डाल दिया उन्होंने। इंडिया को जो reason मिली है वो reason बड़ी एक एक बड़ी logical reason है, in a sense कि वो कह सकते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि
मालदीव के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन आप हमारे वज़ीर आज़म के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ कम वी कैन अलाउ यू और हाउ कम वी कैन लेट दिस हैपन। सो ये जो चीज़ है इसको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये एक 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 बड़ी एक ऑफेंसिव है जो कि इन्होंने खुद ही अपने मुल्क के खिलाफ लॉन्च कर दिया। वक्त हुआ कुछ यूं है कि तकरीबन 8000 से ज्यादा 8000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 8000 से ज्यादा बुकिंग्स, और जब तक मेरा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा उस वक्त मेरा ख्याल है कि 10-15 हजार से ज्यादा ये जो है फिगर ये आगे निकल चुका होगा। तो मेरे सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स, 2500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians, 40% of tourism in Maldives jo ke India ki taraf se hota hai, aur Indians have boycotted Maldives as a whole and now this kaha ye ja raha hai ke us jo cheez chal rahi hai Indian ki taraf se ke ye jo ek tiny jihadi country hai ab isko jo hai ye nahi chal payega ya ye ke isko bahut nuksan hoga। To dekhiye ke jahan hazaron ki tadad mein फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, की जा रही हैं इंडियंस की तरफ से, जो वहां पर मालदीव्स जा रहे थे उन्होंने अपने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए, जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। मैं देख रही थी कि इस बारे में मालदीव्स बायकॉट मालदीव्स जो है उसका एक ट्रेंड जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें भी बहुत कुछ सामने आ रहा है, जिसमें अब एक खबर ये भी है कि एक इजी माई ट्रिप कंपनी जो है उसने है सस्पेंडेड ऑल मालदीव्स फ्लाइट्स बुकिंग्स, और उन्होंने कहा कि इन सॉलिडेरिटी विद आवर नेशन, और उनकी जो निशांत पिटी हैं, उनकी हेड है या जो भी हैं इस कंपनी की, उन्होंने ये कहा कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ सॉलिडेरिटी में, हम अपनी नेशन के साथ सॉलिडेरिटी में ये कर रहे हैं कि इजी माई ट्रिप जो है उसने तमाम सस्पेंड कर दी है मालदीव फ्लाइट्स बुकिंग्स। और वो ये है कि अब ये बात सामने आ रही है कि जो हाई कमिश्नर है उनको कॉल किया गया है, क्योंकि मैं देख रही थी कि खबर ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, समन्स मालदीव्स हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब उनका नाम है, और उनको बुलाया गया है, और वो जो है मिनिस्ट्री पहुंचे हैं और वहां पर उनसे बातचीत हुई है, और उनसे सख्त किस्म का एहतजाज किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया, और उनको ये बताया गया है कि ये जो कुछ मालदीव्स की तरफ से हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो क्लाउन और पपिट ऑफ इसराइल, और इसके अलावा इंडियंस के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। अच्छा, ये तो अभी उन्होंने हाई कमिश्नर को बुलाया, हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि क्या डॉक्टर जयशंकर या कोई और जो है वो मालदीव जाएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ऐसी बात नहीं है, वो नहीं जाएंगे वहां पर, वो कहेंगे कि ये मुल्क इतने छोटे से मुल्क में जिनको हम सपोर्ट करते हैं हम उनके पास जाएंगे। तो देखिए, इंडिया को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि एक छोटा मुल्क जो कि हमसे मदद लेता है, हमारी मदद से चलता है, हमारे टूरिज्म से चलता है, हमारी इकोनॉमी इनकी जो है वो हमारे पैसे से चलती है, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो अक्सर औकात उनको कंट्रीब्यूट करती रहती है, उनकी मदद करती रहती है, सब कुछ हर तरीके से इंडिया मालदीव्स की मदद करता रहता है। लेकिन इंडिया ये नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं मालदीव्स के अपने MPs, और एक MP की मैं आपको बातचीत सुनवाई देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये इंतहा से ज्यादा गिरी हुई हरकत हुई है। तो दोस्तों, आखिरकार घुटनों पे तो ये आई गए, पूरी दुनिया में हसाई हो रही है इनकी कि मतलब किससे पंगा ले लिया इन्होंने, बाप भी नहीं अपने दादा वादा, मतलब ये समझ लो बनाने वाले से ही पंगा ले लिया, मालदीव को बनाने वाले यानी मालदीव, आप लोग समझो मालदीव के लिए भारत भगवान है और भगवान से ही पंगा ले लिया, अगर भारत होता नहीं तो मालदीव का एग्जिस्ट ही नहीं होता इस दुनिया, उनसे पंगा ले लिया, कितना समय लगेगा बर्बाद करने। खैर, भारत इस पर भी मालदीव को बर्बाद नहीं करेगा, आप लोग सोचो यार, जिस देश को भारत ने खुद दूध पिला पिला के पाला हो, मेहनत करके पैसे भिजवा के, खाने पीने की सामग्री भिजवा के, अपने सैन्य सहायता भिजवा के, आप लोग समझो भारत ने बच्चों की तरह मालदीव को पाला है, तो यार उनको भारत बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक तगड़ा सबक जरूर सिखाएगा। चाइना के क्लोज जा रहे हैं, भारत सरकार को चाहिए जाने दे चाइना के क्लोज, श्रीलंका वाली हालात हो जाएगी, खुद रहम की भीख मांगेंगे, और इनको फिर उस समय पर मदद भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी कंडीशन बना देनी है, लाचार हो जाएगी और फिर भारत सरकार की जो है तलवे चाटेंगे आगे। खैर दोस्तों, इनकी औकात कुछ नहीं है, बस वही है, इन्होंने भारतीय टूरिस्ट लेकर और भारत इनमें लगातार इन्वेस्ट करता जा रहा था, इनके मन बढ़ गए थे कि भारत की मजबूरी है हमें इन्वेस्ट करना, ये सोच रहे थे कि भारत की मजबूरी है हमें इन्वेस्ट करना या भारत रह नहीं पाएगा अगर वो हमें पैसे नहीं लगाएगा, इसलिए हम भारत को कुछ भी कहेंगे, ये तो 2014 वाला भारत है, ये तो सुन लेगा, ज़्यादा सुनने के बाद कड़ी निंदा हो जाएगी और हमारा कुछ नहीं होगा।
लेकिन अब कहाँ कहाँ इनकी निंदा होगी और क्या क्या होगा इनके साथ, अब तो ये जान ही रहे। तीन मिनिस्टर सस्पेंड हो गए, क्या हो गया, ये कौन सी बहुत बड़ी बात हुई? इतने बड़े वर्ल्ड लेवल के लीडर को इन्होंने लिटरली गाली दी है और तीन मिनिस्टर सस्पेंड हो गए, बस इससे काम चल जाएगा? इनके एक एक नागरिक को माफी मांगनी चाहिए ऑफिशियल। इन्होंने एक ट्रेंड भी चलाया था, गेट आउट इंडियन, गेट आउट इंडियन, मतलब जिसने इनको पाला उसी को ये कह रहे हैं गेट आउट। औकात बहुत जल्द पता चलेगी, आप लोग देखना।